हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6th and 7th के लिए लेकर आई थी प्रभा मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कंटिन्यू असेसमेंट 3 and असेसमेंट 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट 3 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर विल हैव फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट है, दो में से एक को शेड किया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज द फ्रैक्शन 5/7। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, तो ऊपर वाले का अंश को क्या लिखेंगे, 5। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए थर्ड क्वेश्चन है, मनस्वी स्टडीज 4-5 आवर्स इन अ डे, द फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज स्टडी आर इज। तो 24 आवर होते हैं, उसमें से 5 आवर वो पढ़ती है, तो यहाँ पर हो गया 24, नीचे लिख देंगे 5 को ऊपर लिख देंगे, 5/24। तो ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। इसी तरह से द प्रॉपर फ्रैक्शन टू बी रिटन इन द वर्क्स गिवन ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन है 0 से 1, तो टोटली देखिए पार्ट्स कितने हो गए यहाँ तक, 9। 9 में से छठे पार्ट पर आपको बॉक्स दिया हुआ है, इसमें नंबर लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/9। नेक्स्ट है, राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इन द गिवन पिक्चर एंड पुट एप्रोप्रिएट सिंबल्स इन बिटवीन दैम। तो सिंबल्स बताने हैं आपको, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, वो आपको बताना है। तो देखिए 1/4 हो गया इसका, तो क्योंकि 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, और यहाँ पर देखिए 8 में से 5 पार्ट शेडेड है, तो बड़ा कौन है यहाँ पर, 1/4 शॉर्टर देन है 5/8 के। इसी तरह से 6/8 ग्रेटर देन है 2/4 के। इसी तरह से 6th क्वेश्चन है, लुकिंग एट द नंबर लाइन राइट द फ्रैक्शन दैट कम इन प्लेस ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपको बताना है पॉइंट ए को क्या करेंगे, 3/10 हो जाएगा। टोटली पार्ट्स कितने हैं, 10, तो 10 में से 3 पार्ट पर ए है। इसी तरह से बी 6th पर है 10 में से, सी 8th पर है और डी 9th पर है। शो द गिवन फ्रैक्शन बाय द शेडेड पार्ट इन द फिगर। तो यहाँ पर देखिए 5 में से out of 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पार्ट को शेड करना है 5 में से, तो इस तरह से शो कर दीजिए। इसी तरह से 4 में से 3 पार्ट को शेड कर दीजिए। इसी तरह से 6 में से 1 पार्ट को शेड कर दीजिए। कोई भी फिगर आप बनाइए, उसमें आपको शेडेड इस तरह से दर्शाना है, 5 पार्ट्स कर दीजिए और 5 में से 3 को शेडेड कर दीजिए, ठीक है। तो ये डन होता है असेसमेंट 3। अब देखेंगे असेसमेंट 4। क्वेश्चन है, दीज आर 4,570 पीपल लिव इन अ विलेज। एक गांव में इतने पीपल रहते हैं। आउट ऑफ दीज 2,396 आर मैन, हाउ मैनी वुमन लिव इन विलेज। तो यहां पर देखिए 4,570 में से माइनस कर दीजिए 2,396 को, तो आंसर बचाएगा 2,174 वुमन हो जाएगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ 3,122 + 8,050 + 738। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 11,910। थर्ड है, तन्मय हैज रुपीज 12,500, ही हैज बॉट अ स्विंग मशीन फॉर रुपीज 2,500 एंड वॉशिंग मशीन वर्थ रुपीज 8,000, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,000 आंसर, ठीक है। तो क्योंकि उसने देखिए वॉशिंग मशीन ली 8,000 की, 2,500 की तो उसने स्विंग मशीन ली यानी सिलाई मशीन, तो टोटली उसके पास में आप बच जाएंगे 12,500 में से इन्हें घटा दीजिए, 2,000 रुपये बचेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल द टोटल ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 and 6 इन द नंबर 7869। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 8 और 6 की प्लेस टोटल प्लेस वैल्यू देखिए 860, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करना है 2,258 + 5,380, तो आंसर बचेगा 7,639। तो मिसिंग जो नंबर हैं वो आपको लिखने हैं, तो आप देखिए जब आंसर देखेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, जो भी गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। इसी तरह से देखिए आपको यहाँ पर बचेगा 7 में से 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखेंगे ना, तब आप 8 में से यहाँ पर 1 हासिल ले लोगे, तो यहाँ बचाएंगे 7, 7 में से 6 गए तो 1। अब यहाँ पर 3 में से 0 कट गए तो 3, तो ठीक है यहाँ पर 315 आंसर बचेगा। इसी तरह से देखिए 577 में से ऐसा क्या माइनस करेगी, 490 रहे तो 87 को माइनस कर दीजिए, तो 490 बचेगा, ठीक है।
सिक्स क्वेश्चन है, मयंक हैज 9887 इन हिज अकाउंट, ही विथड्रू रुपीज 2986 आउट ऑफ दिस. तो देखिए 9887 में से उसने विड्रॉ किए 2986 रुपीज. सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन मयंक अकाउंट नाउ. तो यहाँ 9887 में से माइनस कर दीजिए 2986 को, तो 6901 आंसर बचाएगा. रामू द पॉटर सोल्ड 1500 लैम्प ऑन द फर्स्ट डे एंड 1250 लैम्प ऑन द सेकेंड डे ऑन दिवाली. इफ़ ही हैड 5000 लैम्प इन द बिगिनिंग देन हाउ मैनी लैम्प्स आर लेफ्ट विद हिम नाउ. तो 5000 में से देखिए उसने 1250 बेच दिए फर्स्ट डे पर, सेकेंड डे पर उसने बेच दिए, देखिए 1250 और फर्स्ट डे पर बेचे उसने 1500 लैम्प्स. तो टोटली अब लैम्प बचेंगे उसके पास में 2250 लैम्प्स. मेक अ नंबर फ्रॉम द एक्सपेंडेड फॉर्म 1009, 10, 41 एंड 200 एंड सब्ट्रैक्ट 1068. तो यहाँ हो जाएगा 1200 प्लस 90 प्लस 4 माइनस 1068 को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 226 आंसर बच जाएगा. ठीक है, तो ये डन होता है असेसमेंट 4. तो यहाँ हमने देखा असेसमेंट 4 एंड 3 का सॉल्यूशन. आगे के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे. तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.